नमस्कार साथियों साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में जैव अणु वाला चैप्टर, और इसमें हमने पढ़ लिया है ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, सुक्रोज की संरचना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माल्टोज की संरचना। ध्यान से पढ़िएगा, बारीकी से समझिएगा, आपको पूरी की पूरी माल्टोज की संरचना बनाना सिखा देंगे। यह हमारा प्रॉमिस है, यह हमारी गारंटी है। तो माल्टोज जो है, इसका जल अपघटन होता है माल्टोस का, तो हमें मिलती है ग्लूकोज की दो इकाइयाँ। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड से है। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और जब हम माल्टोस का जल अपघटन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा। माल्टोस का फार्मूला होता है C12H22O11। किसका फार्मूला है? ये माल्टोस का फार्मूला है, जिसका अपन हाइड्रोलिसिस करवाएं, जल अपघटन करवाएं, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, मतलब दोनों ग्लूकोज यूनिट ही मिल रही है अपने को। समझ में आ रहा? अपन सुक्रोज का जल अपघटन करवाते थे, सुक्रोज का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो अणुसूत्र है, वो C12H22O11 है। माल्टोज का भी यही है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा? इनकी संरचना में डिफरेंस आ रहा, इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, माल्टोज का आणविक सूत्र क्या है? C12H22O11 है ना। तनु HCl द्वारा अगर इसका जल अपघटन करवाएं, डायल्यूट HCl द्वारा इसका जल अपघटन करवाएं, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज ग्लूकोज की दो यूनिट आपको मिलेगी। अब आपको पता है ग्लूकोज जो होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये आपको पता है। तो समझा देते हैं आपको कैसे माल्टोज की संरचना बनेगी। सबसे पहले तो हम ग्लूकोज की संरचना बनाना सीखते हैं। पहले भी बना दी थी, अब वापस और बनाते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये 6वां कार्बन। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2OH और ये CHO। ध्यान से देखिएगा, ये H OH OH H H OH H OH। ओके, कौन सा ग्लूकोज है ये? अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। इसको अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे अभी अपन। कैसे? इसका जो है, ये पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छोटा 6वां। क्या करें अपन इसमें कि पहले और पांचवें कार्बन के बीच में, पांचवें कार्बन के बीच में क्या बनाते हैं? ऑक्साइड रिंग बनाते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन अपन ले आते हैं यहाँ पर। ओके, ये वाला ऑक्सीजन अपन यहाँ पर, और ये यहाँ का जो हाइड्रोजन था उसको हमने बिठा दिया इस जगह पर। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, दूसरा एक और ग्लूकोज है, तो उसमें भी यही करते हैं अपन। COH सेम टू सेम बनाते जाते हैं अपन। दोनों अल्फा ग्लूकोज की इकाई ही होती है इसमें, माल्टोज की संरचना में। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये 6वां कार्बन CH2OH। देखिए, H OH OH H H OH और ये H और ये, इनके बीच में ऑक्सीजन बना दिया। समझना, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। समझ में आ गया? ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया अपनों ने। यह है, इनको कहते हैं अपन फिशर प्रक्षेप सूत्र। क्या कहते हैं अपन? फिशर प्रक्षेप सूत्र। अब इनको हेवर्त प्रक्षेप सूत्र में बताना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताना है। कैसे बताएंगे अपन इनको? देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां कार्बन। पहले अपन इस यूनिट को बना लेते हैं, और इस यूनिट को मैं बनाऊंगा इधर, बनाऊंगा बाद में बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा,
ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पांचवे और पहले के बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, दिख रहा है आपको? पांचवे और पहले के बीच में आ रहा है ऑक्सीजन। अब देखिए HOH, ये लिखा आपने H और ये OH, समझ में आ रहा? फिर HOH, ये लिखा H, ये OH। तीसरे नंबर पर OHH, ये OH और ये लिखा H। चौथे नंबर पर HOH, ये लिख रहा हूँ H और OH। पांचवे नंबर पर ये H और ये CH2OH, ऐसे लिख दिया ना, जैसे इधर पलटे कि इस साइड वाला नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको भी बना लेते हैं सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, पांचवे और इसके बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। पांचवे और पहले कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। समझना भैया ध्यान से, वापस सेम टू सेम ऐसे किसी, ये H O H, H O H, O H और ये आ रहा H, ये लिखा चौथे कार्बन पर, ये H और ये O H, ये H और ये CH2OH। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज नहीं रहेगा, ये क्या बना दें इससे, क्या बना दें अपन? माल्टोज बना दें। क्या बना दें? माल्टोज। तो माल्टोज जो बनेगा, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है। माल्टोज जो बनेगा, ये इसका जो है, इसका इस कार्बन का कौन सा वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन का चौथे वाला कार्बन का, ये OH ग्रुप, और इसके पहले इसके वाले कौन सा, इसका पहला वाला जो है कार्बन है उसका OH ग्रुप के मध्य क्रिया होगी, इसके और इसके मध्य क्या होगी? क्रिया होगी। इसका चौथा, ये चौथा, समझ में आ रहा ना, ये चौथा, चौथे का ये वाला OH, ये वाला OH और इसका ये वाला, ये इसका पहले वाले का ये OH, इसके मध्य क्रिया होगी और ये जो हो जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से, एक का तो OH और एक का H, तो इन दोनों के बीच में क्या रह जाएगा भैया? इसके और इसके बीच में सिर्फ रह जाएगा ऑक्सीजन रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन रह जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसके और इसके बीच में क्या रह जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा। मतलब यहाँ का OH और एक का H है ना, निकाल दो अपन, और ये रह जाएगा सिर्फ, क्या रह जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन रह जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, अपनों ने क्या किया, ग्लूकोज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ग्लूकोज बनाया, फिर क्या किया, इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये छठवां कार्बन, ऐसे लिख दिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ली, फिर कुछ नहीं किया, इसका पहले वाले कार्बन का OH और इसके चौथे वाले कार्बन के OH के बीच में से क्या निकल गया? H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। मतलब इसका पहला वाला कार्बन और इसको चौथे वाले कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया, और बन गया माल्टोज का अणु। ये इसको क्या कहेंगे अपन? माल्टोज। आप बुक्स में देखिएगा, आपको इसी तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, कौन सी भी बुक हो, NCERT बुक हो या कोई भी अदर बुक्स हो, उसमें आपको इसी टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगी। अब ये जो है, इसको कहते हैं अपन नॉन रिड्यूसिंग, इसको क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायक, अनअपचायक, ये अनअपचायक पार्ट है, अनअपचायक शर्करा है, और यह रिड्यूसिंग, यह रिड्यूसिंग, इसको कहते हैं अपन अपचायक, इसको क्या कहते हैं अपन? अपचायक कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग और उसको कहते हैं रिड्यूसिंग कहते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये OH रहता ना, ये OH ग्रुप, यहाँ पे इस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला जो, ये वाली जो ग्लूकोज यूनिट है, ये वाली जो ग्लूकोज यूनिट है, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूसिंग यूनिट हो जाएगी। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग, और इसको कहेंगे अपन नॉन रिड्यूसिंग, इस वाली को कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसके पास कोई OH नहीं है यहाँ पर। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ओके।
क्लियर है, ये वाली को अपनों ने यहां बनाया ओके, और ये वाली को अपनों ने इस वाली स्ट्रक्चर को अपनों ने यहां बताया। तो ये तो हो गए ग्लूकोज अणु की पायरनोज संरचना। कौन सी संरचना है ये, सॉरी माल्टोज अणु की पायरनोज संरचना, माल्टोज अणु की पायरनोज संरचना, माल्टोज अणु की पायरनोज संरचना, यहां तक क्लियर है। तो ये तो हमने समझ लिया, किसकी संरचना समझी अपनों ने, ग्लूकोज की संरचना के आधार पर हमने किसकी संरचना समझी, माल्टोज की संरचना। उतार लीजिए इस स्ट्रक्चर को, बहुत ही ईजी है ये। और सुक्रोज की संरचना भी अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और आराम से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनको कहते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र, और ये वाले जो है इनको कहते हैं अपन हेवर्थ प्रक्षेप सूत्र, हेवर्थ प्रक्षेप सूत्र, हेवर्थ प्रक्षेप सूत्र। माल्टोज की संरचना उतार लीजिए, इसको कहते हैं अपन माल्टोज अणु की संरचना। अब हम आपको बता देते हैं, इसी लेक्चर में बता देते हैं लैक्टोज की संरचना, किसकी बताते हैं, लैक्टोज की संरचना। चलो शुरुआत करते हैं लैक्टोज की संरचना की, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, कुछ नहीं करना है लैक्टोज की संरचना, इसी में समझा देता हूँ आपको, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। माल्टोज की जगह लिख दिया मैंने लैक्टोज, समझना क्या लिख दिया, लैक्टोज, यहाँ पर लिख दिया मैंने लैक्टोज, उतारते जाओ नकल करते जाओ, लैक्टोज लिख दिया। लैक्टोज का जब जल अपघटन होगा, लैक्टोज का जब जल अपघटन होगा तो आपको क्या मिलेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, एक तो मिलेगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज का जल अपघटन हुआ था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला था, माल्टोज का जल अपघटन हुआ तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिला, और लैक्टोज का जब जल अपघटन होगा तो क्या मिलेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखना ये लैक्टोज भी डाइसेकेराइड्स हैं, सुक्रोज भी डाइसेकेराइड्स हैं, और माल्टोज भी डाइसेकेराइड्स हैं, ये सभी क्या हैं, डाइसेकेराइड्स हैं। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ग्लूकोज इकाई, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, इसमें सेम की सेम कंडीशन रहने दूंगा, कुछ भी नहीं। गैलेक्टोज बनाना ना, तो गैलेक्टोज में क्या होगा कि ये जो गैलेक्टोज बनाऊँगा इसमें इसमें जो है बीटा इकाई ले लूँगा, कौन सी इकाई ले लूँगा, ये गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज होगा, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज और बीटा, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज ले लेता हूँ। तो बीटा फॉर्म में जो होगा OH किस साइड में होगा, इसमें ध्यान से देखिए OH इस साइड में बना लेता हूँ मैं, ये OH इस साइड में बना लूँ और ये H ऐसे लिख दूँ ओके। इसमें OH किस साइड में लिख लूँ मैं, OH इस साइड में लिख दूँ और H मैंने इस साइड में लिख दिया, समझना आप। अब क्या किया अपनों ने, ये ग्लूकोज कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज, कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, और ये बना दिया अपनों ने बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है, ये अभी तो सेम दिख रहा है, सिर्फ फर्क पड़ जाता है कॉन्फिग्रेशन का, किसमें फर्क पड़ जाता है, कॉन्फिग्रेशन का फर्क पड़ जाता है। तो गैलेक्टोज में क्या होता है, पहली कंडीशन में देखो सेम है, दूसरी कंडीशन में सेम है, तीसरी कंडीशन में सेम है, चौथी कंडीशन जो होती है, चौथी कंडीशन में इसमें H इधर और OH इधर, गैलेक्टोज में क्या हो जाता है, OH इधर और H इधर हो जाता है, इतना सा फर्क है बस, चौथे कार्बन पर OH का कॉन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं गैलेक्टोज। अगर OH मतलब कितना डिफरेंस आ गया, मतलब हर किसी नहीं बना सकते एच ओ एच कॉन्फिग्रेशन, एच ओ एच का कॉन्फिग्रेशन अपने हिसाब से नहीं बना सकते, मतलब चौथे नंबर पर आपने, चौथे नंबर पर आपने ओ एच इधर लिख दिया और एच इधर लिख दिया तो क्या बन गया, ये गैलेक्टोज हो गया, और इसमें चौथे नंबर पर एच इधर है और ओ एच इधर है, बस इतना सा फर्क है और कई फर्क हो नहीं। अब इसके आधार पर अपन क्या करें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी पहला इसका जो है क्या करें अपन, ग्लूकोज का कौन सा वाला कार्बन है, ग्लूकोज का चौथा वाला कार्बन, तो ग्लूकोज का चौथा वाला कार्बन और इसका पहले वाला कार्बन, इस OH और इस OH के बीच में से क्या निकल गया, H2O निकल गया, तो चलो निकाल देते हैं H2O, तो ये ऑक्सीजन रह गया बस, ये ऑक्सीजन, मतलब OH और OH इसमें से क्या निकल गया, H2O निकल गया, सिर पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा है, जो ऑक्सीजन अपनों ने ये दर्शा दिया ओके। अब देखो आप
इस स्ट्रक्चर को मैंने कहाँ बना रखा, यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर को कहाँ बना रखा, यहाँ पर। तो ठीक है, ग्लूकोज में तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है, ठीक है, ग्लूकोज में तो अपने को कोई ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। फर्क किस में दिखेगा अपने को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये अपनों ने बनाया गैलेक्टोस और ये है ग्लूकोज। कौन सी है, बीटा डी और ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। कॉन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं कहां पर चेंज आ रहा है। ये लिया अपने ग्लूकोज लिया, देखो बीटा डी ग्लूकोज, तो यहां पर इसमें OH किधर लिख लूं मैं भैया, ऊपर की साइड में, तो ये OH मैंने लिखा ऊपर की साइड में, ये OH और यहां लिखा H। चलो फिर किसकी बात करें, H और ये OH, ये H, ये OH, फिर OH H, फिर OH H तीसरे नंबर पर, फिर H, ध्यान से देखना, ये H और ये कौन सा O, OH, तो ये H और ये OH लिख रहा था, समझना। अब यहां पर कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म आ गया तो क्या होगा, यहां पर बीटा फॉर्म में, इसका बीटा फॉर्म में क्या हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। बीटा फॉर्म लिया ना अपने, दोनों का बीटा फॉर्म लिया, तो बीटा फॉर्म में OH ऊपर की साइड में, H इधर है, मतलब OH इस साइड में, H इधर है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये OH और ये H, फिर क्या लिखा मैंने, H OH, फिर क्या लिख रहा हूँ, OH और H, फिर क्या लिख रहा हूँ, चौथे नंबर पर OH कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो ये लिखा मैंने OH और ये लिखा H, फिर ये H और ये CH2OH, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन, तो ये कहीं की यूनिट है, गैलेक्टोज की यूनिट है, तो गैलेक्टोज का कौन सा वाला कार्बन, पहला कार्बन, इस ग्लूकोज का कौन सा, चौथा कार्बन, इनके बीच में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन आ जाएगा, इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो OH और OH इनमें से क्या निकल गया, H2 निकल गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन कैसे शो करेंगे अपन, ऐसे शो कर सकते हैं आप, ऐसे इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ये हो गए भैया, ओके मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो बन गया है इसको कहूंगा मैं लैक्टोज, ये क्या है अब, लैक्टोज, ये है लैक्टोज की संरचना, कणी की संरचना या लैक्टोज की संरचना है। तो मेरे हिसाब से आपको माल्टोज की संरचना देखी, फिर अपनों ने लैक्टोज की संरचना देखी। लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो क्या बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, कौन सा वाला, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, और इसमें क्या ले रहे हैं अपन, डी ले रहे हैं, डी का मतलब ये होता है कि लास्ट वाला असमित कार्बन होता है उसमें किस साइड में होता है, ये जो रहता है ना सी, ये एच और इधर OH रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखाऊं कि पहले ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये एच, ये सी, एच ओ एच, सी ओ एच, एच ये सी एच, ठीक है, और ये ओ एच और ये सी एच और ओ एच और ये सी एच टू ओ एच। पहले तो क्या हुआ साथियों कि यहाँ ये पांचवा कार्बन और पहला कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, पहले कार्बन और पांचवे कार्बन के बीच में क्या ऑक्साइड रिंग बनी, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपनों ने ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, समझना, और यहाँ का जो H था वो किधर बता दिया, इधर बता दिया, तो ये बीटा फॉर्म हो गया। अगर ये OH इस साइड में लिखता और H इस साइड में लिखता तो ये हो जाता अल्फा फॉर्म हो जाता, समझ में आ गया। फिर आगे क्या किया, यहाँ का OH और गैलेक्टोज का OH, इनके बीच में से क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया H2O निकल गया, और ये बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दो मोनोसेक्राइड इकाइयों के बीच के बंध को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझ में आया। तो ये है लैक्टोज और इससे पहले हमने सीखा था माल्टोज, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, तो अपनी कॉपी में बनाइएगा दोनों माल्टोज और लैक्टोज की संरचना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बात करेंगे जिसमें अपन सेल्युलोज और स्टार्च की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ख्याल रखिएगा अपना, और रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही मस्ट है, रिवीजन ही क्या है, रिवीजन है, ओके बाय।